बिहार के डीजीपी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनकी निगरानी में है, सुशांत को न्याय के लिए जान की बाजी लगा देंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। 48 दिन बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं पहुंचा। सुशांत को लेकर ये मामला जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, इस मामले को लेकर सुशांत के परिवार वालों को न्याय का इंतज़ार अब बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर भरोसा ना कर बिहार में पटना के गांधीनगर स्थित पुलिस स्टेशन में FIR रिया के खिलाफ दर्ज कराया। जब उन्हें शक हुआ और मालूम हुआ कि वाकई में जो वो सोचते थे वो सच है, सुशांत रिया की वजह से अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। सुशांत के लिए लगातार न्याय की मुहिम चला रहे कई ऐसे पुलिस के ऑफिसर हैं बिहार की तरफ से आए, जो कि मुंबई में भी ऑटो में सवार होकर शहर के अलग अलग जगहों में भटकते नजर आए थे। सुशांत के मामले में एक समाचार के सामने ये कहा गया, गुप्तेश्वर ने ये कहा कि सच से पर्दा उठना चाहिए, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस जांच में सक्षम सुशांत के पिता CBI जांच की मांग सकते हैं। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से पुलिस के निगरानी में है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।